हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर स्पेशल फंक्शंस, ये नहीं बुक का नाम है जो कि राइटर रहेंगे, जिसको हम फॉलो करने वाले, जिस बुक को फॉलो करने वाले हैं वो राइटर हैं हमारे पास सरन शर्मा त्रिवेदी। ठीक है, इस राइटर के बुक को हम फॉलो करेंगे और इनका कंटेंट में यहाँ पे जो सिलेबस आपका होता है वो कंटेंट के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो जो सबसे पहला मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो है मेरा चेप्सी पॉलीनोमियल, और इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं चेप्सी पॉलीनोमियल के बारे में, डिस्कस करते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि क्या है ये। ठीक है, तो चेप्सी पॉलीनोमियल क्या होता है कि एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें हम चेप्सी पॉलीनोमियल बोलते हैं। तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होता क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका है वो है 1 - x²d2y/dx2-, ठीक है, और यहाँ पे है आपका x dy/dx और +n²y = 0, राइट। तो ये जो मेरा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ठीक है, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे मेरे पास, tnx एंड unx आर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसी को लोग नाम देते हैं, इसी को लोग नाम देते हैं, ये क्या होता है, चेप्सी पॉलीनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये होता है चेप्सी पॉलीनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, और ये डिफाइन क्या होता है, तो tnx इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ पर cos n cos 1x, और unx इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ पर sin n cos 1x। बिकॉज देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये इसके इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्वेश्चन आता है कि tnx एंड unx एज डिफाइंड बाय, ठीक है, जो भी है ये डेफिनेशन आपको बता देगा दिस दिस, ठीक है, आर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ द चेप्सी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे देगा और बोलेगा ये इसके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या सोल्यूशन है, इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, ऐसा प्रूव करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बिकॉज ये इसका सोल्यूशन है तो पक्की बात ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा, ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो मैं इस वाले क्वेश्चन को इसकी हेल्प से लेकर आता हूँ। तो पहले मैं वाई को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका सोल्यूशन है, तो फर्स्ट मैं लेट कर रहा हूँ, फर्स्ट एक मैं प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पर कि वाई इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, टी एन एक्स हो जाए, यानी कि ये हमारे पास क्या है, तो कॉस, ठीक है, कॉस यहाँ पे मेरे पास है n cos 1x, राइट। तो ये मेरे पास हो जाए, अब इसको देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तो पहला काम है कि dy2 यानी कि y" निकाल लो आप, मतलब दो बार इसका डेरिवेटिव। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट टाइम तो कर लें, ठीक है, तो पहले y' निकाल लेते हैं। cos इसका क्या होगा, -sin x होगा, तो -sin, ठीक है, x रिप्लेस वैल्यू क्या है, n cos 1x, n cos 1x, ठीक है, n cos 1x का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यह हो जाएगा -n/, यहां से हो जाएगा √1 - x², राइट। तो माइनस माइनस ये हमारे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास n/√1 - x², और ये हो जाएगा मेरे पास क्या, ये हो जाएगा मेरे पास sin n cos 1x, राइट, ये मेरे पास हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है, इसका अगेन डेरिवेटिव करना है, तो पहले तो आप इसको इधर भेज दे, जो डिनोमिनेटर का है मेरा तो उसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको आगे से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां से आपका ये बन जाएगा इक्वल टू, सो इम्प्लाई दे लो, तो ये हो जाएगा √1 - x² y′, और यहां से आपका बन जाएगा इक्वल टू n sin, ठीक है, n cos 1x। अब इसका मुझे क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव करना है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म एंड दिस कॉल इज सेकेंड टर्म, ले लो, ठीक है, तो फर्स्ट को ड्रॉप करके सेकेंड का डेरिवेटिव कर लेंगे, तो √1 - x² y" और यहां से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा जब मैं इसको छोड़ूंगा, तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यह हो जाएगा -x/√
वन माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश, इसका मैंने डेरिवेटिव किया है अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर राइट इज इक्वल टू, और यहां से मेरे पास इसका ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी मेरे पास एन, और यहां पे मेरे पास है साइन, ठीक है एन तो साइन का क्या होगा कॉस हो जाएगा, ठीक है तो देखो मैं लिख रहा हूँ कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स, और इसका अगेन करूंगा तो क्या आएगा माइनस एन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत साइन मल्टीप्लाई करा दो अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास ये वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, और यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास देखो माइनस है एन स्क्वायर हो जाएगा, इसको बोलेंगे वाई, तो यहां से बन जाएगा माइनस इधर आएगा प्लस में, तो एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं हुई यहां तक प्रूफ करने में, है ना। तो जैसे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है, ठीक है सेम एज हम लोग सेकेंड वाला भी प्रूफ करेंगे, जो टेन एक्स था इस टाइप से हम लोग यूनेक्स को भी प्रूफ करेंगे, ठीक है तो चलो यूनेक्स को प्रूफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यूनेक्स आप लोग नोट्स बनाते रहना, क्योंकि मैं इसकी कोई पीडीएफ, मेरे पास नोट्स पीडीएफ नहीं है, ठीक है तो आप लोग नोट्स पीडीएफ मांगते हैं, तो आप लोग क्या करें इसके डायरेक्टली नोट्स बनाते रहें, ठीक है आपको मिलता रहेगा वीडियो से ही डायरेक्टली नोट्स बनाते रहें आप, ठीक है मैं अलग से इसका कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग नेक्स्ट लेकर चलेंगे वाई इक्वल टू, क्या एज्यूम कर लेंगे इस बार हम लोग यूएनएक्स एज्यूम कर लेंगे यूएनएक्स, तो यहां से इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यूएनएक्स इक्वल टू क्या मेरे पास है साइन एन कॉस इनवर्स एक्स, और इसका अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है और इसका अगेन करूंगा तो यहां से आ जाएगा माइनस एन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो इम्प्लाइज दैट आप इसको डिनोमिनेटर को इधर भेज देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू, यहां से आपका बन जाएगा ये माइनस एन माइनस एन, ये हो जाएगा मेरे पास कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ये हो जाएगा। इसका मैं करूंगा तो ये फर्स्ट एंड सेकंड, इसका अगेन डेरिवेटिव करूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और माइनस टू सॉरी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश और यहां से इक्वल टू माइनस, देखो ऑलरेडी यहां से एक माइनस है, ठीक है तो कॉस होगा माइनस साइन एक्स, तो एक्स की जगह पे लेट कर रख देंगे, ठीक है तो माइनस साइन एक्स हो गया, और फिर एक्स का अगेन करेंगे तो फिर माइनस आएगा क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर राइट, तो इसको रखेंगे कुल मिलाकर लास्ट में यहाँ फाइनल में क्या आ जाएगा माइनस ही आ जाएगा, ठीक है ना और एन स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन और यहाँ आ जाएगा एन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट माइनस स्क्वायर से बहुत साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई डबल डैश और माइनस यहां से आ जाएगा एक्स वाई डैश सॉरी वाई डैश और इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस का एन स्क्वायर ये हो जाएगा मेरे पास वाई और इसको इधर भेज देंगे माइनस का एन स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का एन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन होता है, ठीक है उसके जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते हैं वही मेरे सबसे पॉलिनोमियल होते हैं। वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होते हैं, जैसे पहला इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में लिया tnx और tnx इक्वल टू क्या होता है मेरा उसको याद कर लो आप, tnx इक्वल टू क्या होता है ये यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है तो cos n cos इनवर्स x ये होगा। सिमिलरली unx इक्वल टू क्या होगा उसको याद कर लो आप लोग, क्या होता है sin n cos इनवर्स x, इनको याद कर लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये क्या होंगे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे, तो इसको प्रूव भी कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे हैं, ठीक है ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको पूरा यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ tnx एंड unx, कभी कभी एग्जाम में इनके एक्सपेंशन आ जाते हैं कि कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं कैसे इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट जो है उसको करते हैं, सेकंड सिमिलर है फर्स्ट को, अगर मैं कर दूंगा तो आई होप आप लोग सेकंड कर लेंगे अपने आप से, इसलिए मैं शायद सेकंड नहीं कर पाऊंगा तो फर्स्ट कर दूंगा क्यों, है ना सेम एज हमने बोला सेम एज कंडीशन, फर्स्ट में मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको सेकंड में सेम एज वैसे ही लगाना है, जहां tnx के केसेस होते हैं वहां tnx लेकर चलूंगा, जहां unx का केस होता है वहां आप unx लेकर चलना, तो सेम एज ऐसे करना, ठीक है वो बुक मैंने आपको बताई दिया सरन शर्मा त्रिवेदी की, ठीक है तो उसको आप ले लीजिए परचेस कर लीजिए और उससे आप मतलब कि सॉल्व करेंगे तो लगभग मैं उसी से पढ़ा रहा हूं तो आपको लगभग मिलता रहेगा और आपको मजा भी आएगा ना।
क्लियर हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो फर्स्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले काम है कि tan x को हमें प्रूव करना है। तो tan x इक्वल टू होता है क्या है, तो tan x इक्वल टू जो होता है मेरा वो क्या होता है, cos n cos इनवर्स x, ठीक है। अब जानते हैं आपकी cos इनवर्स x एक्चुअली में होता क्या है, x को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ये x मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, cos इनवर्स इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। तो कोई एंगल एज्यूम कर लो, क्या दिक्कत है, तो हम लोग यहाँ पे कोई एंगल एज्यूम कर रहे हैं, तो थीटा एज्यूम एंगल एज्यूम कर रहे हैं इस जगह पर, तो हम इसको सिंपली थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, एन थीटा, जहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, cos इनवर्स x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आया था, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, cos थीटा इक्वल टू हमारे पास आया था एक पावर आई थीटा, ठीक है, एक पावर आई थीटा और प्लस एक पावर माइनस आई थीटा और अपॉन टू, याद हो तो ये आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर आई एन थीटा प्लस ए की पावर माइनस आई एन थीटा अपॉन टू, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से लिख सकता हूं मैं ए की पावर आई थीटा का होल पावर एन, ठीक है, और प्लस ए पावर माइनस आई थीटा का होल पावर एन और अपॉन टू, ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। और फिर मैं आगे क्या करूंगा, हम लोग जानते हैं, ठीक है, आयलर्स फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो मैं ए पावर आई थीटा जगह पे क्या लिखूंगा, cos थीटा प्लस आई sin थीटा, ठीक है, और का होल पावर एन है तो उसको वैसे लिख लो, ठीक है, और प्लस यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास cos थीटा और माइनस आई आई sin थीटा का होल पावर एन और अपॉन, और यहां हो जाएगा आपके पास टू, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है, तो यहाँ पे कुछ एज्यूम कर लेते हैं, अगर हम लेट कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमने बताया भी था, क्या बताया था कि थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स x, ठीक है, हमने अभी जस्ट अभी एज्यूम किया था। तो यहां से देखोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, यहां से तो cos थीटा होगा, यानी cos थीटा बराबर x आया, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा, कैसे, परपेंडिकुलर, यहां देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस ये है, ठीक है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू वन है, तो अपॉन वन से कोई मतलब है नहीं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, ये रखेंगे। तो यहां से मेरा जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां से रिजल्ट मेरा क्या बनेगा, cos थीटा पर रखेंगे x और प्लस आयोटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर n, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ जाएगा x माइनस आयोटा अंडर रूट वन माइनस एक्स का होल पावर n और अपॉन टू, यहां तक कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे आपको बाइनोमियल लगा देना है, तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ, चलो वो समझ लेते हैं, तो इसका बाइनोमियल मैं लगा रहा हूँ, तो tan x इक्वल टू मेरा चल रहा है, याद है ना, tan x इक्वल टू मेरा चल रहा है तो 1 बाई टू, और कभी कभी तो इतना ही प्रूव करने के लिए देता है, ठीक है, क्या इतना जितना लिखा हुआ है, यही क्लियर हुआ नहीं हुआ, और मैं इसमें बाइनोमियल लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई टू, और यहां से बन जाएगा समेसन, ठीक है, एम इक्वल टू जीरो टू एन और n cm, ठीक है, x पावर n माइनस m और यहां हो जाएगा आपका आयोटा और ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर m, ठीक है, प्लस सिमिलरली समेशन जीरो टू n और ये हो जाएगा n cm, यहां हो जाएगा x पावर n माइनस m और यहां हो जाएगा हमारे पास माइनस i के पावर अंडर रूट वन माइनस x स्क्वायर का होल पावर, यहां पे आ जाएगा आपके पास m, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। यहां पे देखो कॉमन क्या क्या नजर आ रहा है आपको, कॉमन जो जो नजर आ रहा है वो कॉमन लेते जाइए और क्वेश्चन को करते जाइए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास जो जो कॉमन नजर आ रहा है मैं लेता जा रहा हूँ, तो जैसे यहाँ पे क्या कॉमन नजर आया, देखो वन बाई टू तो है ही, ठीक है, समेशन हो गया एम इक्वल टू
एम इज इक्वल टू जीरो से एन हो गया, ठीक है। फिर एन सी एम है तो एन सी एम हो गया, कॉमन ले लिया हमने। एक्स पावर एन माइनस वन एम है तो एक्स पावर एन माइनस एम भी कॉमन ले लिया हमने। फिर देखना और इधर बचेगा क्या, आई पावर एम, देखो आई भी है तो आई भी ले लो, कॉमन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से मेरा आई भी आ जाएगा, तो यहां से आई की पावर एम ले लिया हमने कॉमन, बचेगा क्या, और साथ में ये भी कॉमन हो जाएगा क्या, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर एम, ये भी मेरा हो गया कॉमन, ठीक है। तो बचा क्या अब एक्चुअली में, इधर बचा वन की पावर एम और इधर बचा प्लस माइनस वन की पावर एम, बस यही है डिफरेंट, बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये देखना है कि m पर डिपेंड केस, क्योंकि m केस बना दिया ना, माइनस वन है इधर तो केस बन गया, तो इवन ऑड का केस बन गया, तो हम केस फर्स्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ m इज इक्वल टू हमारा ऑड आ गया, m मेरा क्या है कोई ऑड है, अगर मेरा ऑड है समझना, तो माइनस वन, वन की पावर m में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ऑड है तो मैं जैसे वन रखेंगे तो वन ही आएगा, टू रखेंगे तो भी वन आएगा, थ्री रखेंगे तो भी वन आएगा, तो ये बन ही रहेगा, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, बात करें माइनस वन की बात करें, अगर ऑड है जैसे वन रखेंगे तो भी माइनस वन आएगा, थ्री रखेंगे तो भी माइनस वन आएगा, फाइव रखेंगे तो भी माइनस वन आएगा, तो ऑड वाले में क्या आएगा, माइनस वन आएगा, तो इसके जगह पे आएगा माइनस वन, सॉरी, ठीक है, तो ये माइनस वन आएगा, तो वन और वन कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, जीरो, यानी कुल मिला के जब एम मेरा ऑड होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो अगर ये है जीरो और इनटू में कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, जीरो से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि टी एन एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा जीरो। यहां तक कोई डाउट तो किसी को नहीं है, ठीक है, आई होप पूरा यहां तक क्लियर हो चुका। केस सेकेंड, अगर मेरा एम इवन होता है तो इवन होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर फोर, माइनस वन की पावर सिक्स, तो प्लस वन होगा, और यहाँ अगर वन की पावर कुछ भी होता है तो वन ही रहेगा, तो वन वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे हो जाएगा टू, तो टू हो जाएगा, तो टी एन एक्स इक्वल टू हमारे पास बनेगा क्या, ठीक है, तो टू देखो इसकी वैल्यू आएगी टू, अब इवन के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी टू, तो टू से टू तो मेरा इधर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, वो लिखो डायरेक्टली, तो समेशन फ्रॉम एम इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक, और यहाँ पे हो जाएगा एन सी एम, और एक्स की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस एम, और आई पावर एम, और यहाँ पे है अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर एम, बिकॉज समझना मैंने एम इवन लिया है तो टू आर लेट कर सकता हूँ, ठीक है। अब टू आर मैंने लेट किया तो एम मेरा क्या होगा ना, एम मेरा n से क्या होगा, तो छोटा होगा, देखना m 0 से n, तो पक्की बात n क्या है, इसकी अपर लिमिट हो गई, m की n क्या है, अपर लिमिट है, तो जो मेरा m है ना बेटा वो क्या है, ये तो n से छोटा है, ये तो n के बराबर है, ठीक है, m n से बड़ा नहीं हो सकता यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, समेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और m इक्वल टू क्या है, मेरे पास 2r है समझना, तो यहां से हो जाएगा 2r लेस देन इक्वल टू n, और यहां से आएगा r इज लेस देन इक्वल टू n बाय 2, यानी अगर मैं r स्टार्ट करूंगा तो कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेकर n बाई टू तक जाएगा, क्योंकि भी जीरो है तो पक्की बात पॉजिटिव ये भी है तो पॉजिटिव ये भी होगा, r भी पॉजिटिव, तो r भी कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से लेकर n बाई टू तक जाएगा, तो ये तो कंफर्म हो गया कि समेशन जो होगा, अगर हमारे पास m इक्वल टू टू आर रखते हैं तो यहाँ पे समेशन जो होगा वहां पे r इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, n बाई टू तक जाएगा, एक बार तो क्लियर हो गई यहां तक, ठीक है। अब है एन सी एम की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, टू आर रखेंगे, ठीक है, और एक्स की पावर एन माइनस टू आर रखेंगे, और फिर आई की पावर एम की जगह पे क्या रखेंगे, टू आर रखेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर, देखना एम की जगह पे टू आर रखा हमने और अंडर रूट मतलब होता है बाई टू, ठीक है, तो टू से टू खत्म हो गया, कुल मिला के इधर क्या आया, इधर हमारे पास आ जाएगा पावर, ठीक है, ओनली आर बचेगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब एनसीआर का फॉर्मूला से इसको ब्रेक कर लेंगे, तो एनसीआर का फॉर्मूला आप लोग को आता ही है, तो एनसीआर का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है, तो एनसीआर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, तो देखो क्या होता है, तो यहां से बन जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल टू आर, ठीक है, और फैक्टोरियल एन माइनस टू आर ये बनेगा, ठीक है। और इधर देखना, इधर i की पावर देखना, i पावर 2 का मतलब क्या होता है, आई स्क्वायर, पहले इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर
होल पावर आर, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन, तो यानी ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई माइनस वन, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर आर लिख सकता हूँ, ठीक है, तो माइनस वन की पावर आर। तो मेरा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा यानी जो मुझे शो करना था वही मेरे पास आ चुका है, तो टी एन एक्स इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ आ चुका है, जैसे हमने टी एन एक्स शो किया है सेम एज, कोई चेंज नहीं करना, सेम एज आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, यू एन एक्स भी शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पहले बता दिया, आप वीडियो से आप अपनी नोट्स बना लीजिए, और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिकरेंस रिलेशंस के बारे में, ठीक है। रिकरेंस रिलेशन एक्चुअली में क्या है, फोर रिलेशन हमारे पास यहाँ है, लेकिन अगर इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सेम वैसे ही हैं और आप ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ और फिर देखा जाएगा इन दोनों के लिए कि मैं आपको क्या टिप्स देता हूँ, और आराम से उस टाइप से इसको भी प्रूफ कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्टली मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, ठीक है, स्टार्ट किया जाए यहाँ से, चलो स्टार्टअप करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है कि टी एन प्लस वन और माइनस टू एक्स टी एन, और मेरे पास यहाँ पे प्लस टी एन माइनस वन इक्वल टू मेरे पास क्या लाना है, जीरो लाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, वैसे हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट टी एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, ये हमारे पास होता है। मैंने अभी बताया था कि ये मेरा एक एंगल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं लिख सकता हूँ कॉस, और मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ एन थीटा, बिकॉज ये मेरा एंगल है, तो मैं इसको एन थीटा यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टी एन प्लस वन और टी एन माइनस वन निकालना है, हमने पास क्या है, हमारे पास से टी एन एक्स है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नाउ, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टी एन प्लस वन निकाल सकते हैं, वो क्या आएगा कॉस एन प्लस वन थीटा आ जाएगा, और यहां से हम लोग निकाल सकते हैं टी एन माइनस वन निकाल सकते हैं, वो यहां से क्या आएगा कॉस एन माइनस वन थीटा आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों क्या किया गया है, इन दोनों को प्लस किया गया, देखो यहां से इस दोनों को प्लस किया गया है, तो हम इन दोनों क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तो टी एन प्लस वन एक्स और प्लस यहां से टी एन माइनस वन ऑफ एक्स, ये प्लस कर दिया। अगर हम यहां से प्लस कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा आगे, तो यहां से आपका बन जाएगा, ठीक है, मैं प्लस कर रहा हूँ दोनों को, तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस, ठीक है, कॉस एन प्लस वन थीटा, और यहां से प्लस, यहां से बन जाएगा कॉस एन माइनस वन थीटा, ठीक है, ये बन जाएगा। और बिकॉज हम लोग जानते हैं कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो टू कॉस C प्लस डी, तो इस पूरे को मानो C, इस पूरे को मानो D, तो C प्लस डी बाई टू, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे और बाई टू करेंगे, देखना, तो एन थीटा प्लस थीटा और एन थीटा माइनस थीटा, तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एन थीटा और एन थीटा मतलब टू एन थीटा आ जाएगा, और बाई टू करें तो टू से टू खत्म हो जाएगा, कुल मिला के क्या बचेगा, एन थीटा बचेगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपका एन थीटा इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, यानी इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, तो एन थीटा कैंसिल हो जाएगा, टू थीटा बाई टू मतलब हुआ थीटा, तो यहाँ पे थीटा बचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा टू कॉस एन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखने वाली बात क्या है, अब मुझे क्या करना है, टू यार ये बताओ कि कॉस एन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस एन थीटा की वैल्यू यहाँ पे होती है टी एन एक्स, ठीक है, तो हो गया टी एन एक्स, और अभी मैंने जस्ट एज्यूम किया था कि थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां से एक बात निकलेगी कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कुल मिला के कॉस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, एक्स रखेंगे, तो यहाँ पे आ गया एक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सो इम्प्लाइज दैट हमने क्या शो कर लिया, यहाँ पे हमने शो कर लिया टी एन प्लस वन, ठीक है, ऑफ एक्स, और प्लस यहाँ पे टी एन माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि टी एन प्लस वन ऑफ एक्स और माइनस टू एक्स टी एन ऑफ एक्स और प्लस टी एन माइनस वन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि बड़ा सिंपल लगाओ, ठीक है, तो सिंपल है ही, इसमें क्या होना है, ठीक है, तो आई थिंक आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो टीएन डैश है, सेकंड वाले बता रहा हूँ मैं, टीएन डैश है। तो पक्की बात है कि आपके पास जो टीएन होगा है ना, उसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे एक एक बार, ठीक है। और डेरिवेटिव कर देंगे, जो भी आपको लाना है वो आई थिंक आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूले को आप यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको करने वाला हूँ, ठीक है, मैं इसको करने वाला हूँ। तो चलो रफ कर देते हैं इसको, रफ ही कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो मेरे पास सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला क्या है, मैं चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेकंड रिकरेंस फॉर्मूला है कि 1 - x² ठीक है, टी एंड डैश। रिकरेंस फॉर्मूला सारे याद कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। इसलिए रिकरेंस फॉर्मूला सारे याद कर लेना, ये फॉर्मूले हम लोग क्वेश्चन लगाने में यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। माइनस एक्स टी एन एक्स, ये क्वेश्चन लगाने में इनका यूज होता है, इसलिए इनको याद कर लेना तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो ये सब यूज होंगे। तो हम लोग जानते हैं सोल्यूशन कर लें इसका, ठीक है। क्या करेंगे, बिकॉज वी नो दैट टी एन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, कॉस एन कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें थीटा भी मत मानो क्योंकि मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जाएगा टी एन डैश एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन, हो जाएगा साइन। अब इसका हमने डेरिवेटिव किया था, ठीक है, साइन एन कॉस इनवर्स एक्स और अपॉन ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 - x², ठीक है। अब इसको मैं क्या करूं, इधर भेज दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 1 - x² टी एन डैश एक्स इक्वल टू एन, और ये हो जाएगा साइन एन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा सिंपल वे में और लग जाए, है ना। ऐसा करते हैं कि अंडर रूट 1 - x² से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हो जाएगा मेरे पास 1 - x² टी एन डैश एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 - x², ये एन है तो एन रख लीजिए, और ये हो जाएगा मेरे पास साइन, ठीक है, एन कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, मुझे लाना क्या है, इधर वाला पार्ट तो देखो आ चुका है, मैं इधर वाला पार्ट पहले लेकर यहाँ आ चुका हूँ। अब मुझे इधर को कैलकुलेट करके कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा थिंक करना है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम करना क्या है, रखी लो क्योंकि हम लोग जानते हैं थीटा होता है, तो हमारे पास थीटा होता है, तो कुल मिलाकर क्या है कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहाँ से निकला एक्स बराबर कॉस थीटा, ठीक है। तो एक्स बराबर कॉस थीटा निकला, अगर आप इसमें रखते हैं तो ये कुल मिला के एन अंडर रूट 1 - यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा एन साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो साइन है मेरे पास राइट, और ये मेरे पास है एन थीटा। मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा देता हूँ। तो ये बन जाता है 2 sin A - sin B का फॉर्मूला, 2 sin A - sin B फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो जो फॉर्मूला होता है उसी को इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, उसी फॉर्मूले में रखेंगे, सो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे 1 - x² इस पार्ट को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हुए चले जाओ, तो हो जाएगा 1/2 और ये n/2 यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो क्या लिखने वाले हैं हम लोग इसमें, तो हम लोग लिखने वाले हैं इसमें cos a माइनस बी मतलब cos a माइनस बी, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो a माइनस बी मतलब n माइनस 1 थीटा आ गया, ठीक है, माइनस cos a प्लस बी मतलब n प्लस 1 थीटा हो गया, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये किसकी, अब देखो बिकॉज वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि टी एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos एन थीटा होता है, तो यहाँ से अगर बात करो टी एन माइनस वन एक्स इक्वल टू कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos cos और यहाँ जाएगा एन माइनस वन थीटा, ठीक है। इसी टाइप से अगर यहाँ प्लस रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो कुल मिला के बात समझना, तो ये एन बाई टू और ये है मेरे पास cos, ये सॉरी cos ना लिख के मैं डायरेक्टली इसमें क्या लिखूंगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखो दूंगा टी एन माइनस वन और माइनस यहाँ पे आ जाएगा टी एन प्लस वन और ये आपका हो जाएगा। अच्छा, जो मुझे प्रूव करना ना उसमें कहीं टी एन प्लस वन नहीं है, है ना, जो मुझे प्रूव करना है ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूव करना है
उसमें कहीं टी एन प्लस वन नहीं है, टी एन माइनस वन तो है लेकिन टी एन प्लस वन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा टी एन के जगह पर, टी एन प्लस वन के जगह पर मैं रिकरेंस फॉर्मूला फर्स्ट यूज कर लेता हूँ, टी एन प्लस वन की वैल्यू निकाल के यूज कर लेता हूँ। तो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला, ठीक है, और फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूले को अगर हम प्रूव करते हैं यहां पर तो क्या होने वाला है समझना, फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला मेरा एक्चुअली में क्या था, तो टी एन प्लस वन माइनस टू एक्स टी एन एंड प्लस टी एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इंप्लाई दैट यहां से आ जाएगा टी एन प्लस वन इक्वल टू टू एक्स और टी एन और माइनस यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस वन। चलो इसको टाके इसमें रखो, तो यहां से क्या बन जाएगा आपका एन बाई टू और ये बन जाएगा टी एन माइनस वन और माइनस, जब मैं इसको रखूंगा सिंबल चेंज हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस टू एक्स टी एन और ये प्लस हो जाएगा टी एन माइनस वन, ठीक है। तो टी एन माइनस वन दो हो जाए तो टू टी एन माइनस वन हो जाएगा और टू से कॉमन लेकर टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ आ जाएगा एन और यहाँ पे आ जाएगा आपका टी एन माइनस वन और माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा टी एन। तो यहाँ से कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। और ये क्या लेकर चल रहे थे हम लोग, यहाँ पे लेकर चल रहे थे, यहाँ पे लेकर चल रहे थे हम लोग वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे लेकर चल रहे थे टी एन एक्स डैश, ठीक है, ये लेकर चल रहे थे। तो इसको बोलते हैं सेकंड रिकरेंस फार्मूला, सेकंड रिकरेंस फार्मूला बोलते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट किया सेकंड किया, सिमिलर सिमिलर हमारे लिए ये थर्ड वाला है, थर्ड वाला सेम फर्स्ट की तरह है और फोर्थ वाला सेम सेकंड की तरह है। थर्ड वाला क्या है, यू एन प्लस वन, ठीक है, और माइनस टू एक्स यू एन और प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सेम उसी तरह मैंने बताया ना, तो सेम उस तरह प्रूफ भी करना है, ठीक है, ये सेम उसी तरह प्रूफ करना है, कोई चेंजेस नहीं। तो रिलेट कर लेंगे हम लोग, हम लोग जानते ही हैं यू एन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास हो जाएगा साइन एन कॉस इनवर्स एक्स। हम जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स क्या है, एक टाइप का एंगल है, तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिप्लेस कर लो यहाँ से यू एन प्लस वन निकाल लो, यू एन प्लस वन ऑफ एक्स वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन एन प्लस वन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसी टाइप से निकाल लो आप लोग यू एन माइनस वन थीटा, सॉरी एक्स निकाल लो, इसका मान निकालो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एन माइनस वन थीटा, ठीक है। और इन दोनों क्या कर लो, प्लस कर लो, तो यहां से आपका आ जाएगा नाउ इन दोनों को ऐड कर लो, एडिंग लिख लो, तो यू एन प्लस वन और प्लस यू एन माइनस वन, ठीक है, ऑफ एक्स लगाते जाना यहां से ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एन प्लस वन थीटा और प्लस यहां से हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा एन माइनस वन थीटा, ठीक है। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इन दोनों को प्लस और बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा एन थीटा इन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू हमारे पास होती है unx की होती है, तो मेरे पास unx आ जाएगा तो 2, और ये किसकी होती है x की होती है, तो हो जाएगा यहाँ पे x, यहाँ पे हो जाएगा unx, ठीक है। सो इम्प्लाई दैट आपको प्रूफ क्या हो गया, टू un प्लस वन ऑफ x माइनस टू एक्स unx और यहाँ पे प्लस un माइनस वन ऑफ x इक्वल टू जीरो, ये आपको लाना था, कोई दिक्कत नहीं है, आ चुका है, थर्ड भी हो चुका है, ठीक है। अब मैं सिमिलर जैसे मैंने उसको सेकंड किया था टी एन एक्स वाला, उस टाइप से यहाँ पे होगा फोर्थ इसका, ठीक है। और मैंने बोला था इसको याद कर लेना, तो क्या था बताइए आप, वन माइनस एक्स स्क्वायर टी एन डैश जैसे किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यू एन डैश, ठीक है, यहाँ हो जाएगा यू एन डैश एक्स, एक्स चलो ना लिखो, ठीक है, इक्वल टू और इक्वल टू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एन और यहाँ हो जाएगा यू एन माइनस वन और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था माइनस और यहाँ पे क्या था एक्स यू एन था, जैसे उसमें टी एन था वैसे इसमें यू एन होगा, ठीक है। सेम एज जैसे यू एन इक्वल टू हमारे पास यू एन एक्स इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास होता है साइन, होता है एन, यहाँ होता है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे यू एन डैश एक्स तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे माइनस एन,
हो जाएगा साइन का कॉस, हो जाएगा एन कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट, तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और मैंने बोला था कि बोथ साइड अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर यू एन डैश एक्स इक्वल टू माइनस एन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है कॉस, और ये मेरे पास आ जाएगा एन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख दूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एन कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है सही। मैं जिस तरह का कॉस इनवर्स इसको मान लेंगे थीटा, तो यहाँ पे बन जाएगा जो भी है, तो उसको लेट कर लो, तो यहाँ माइनस एन, और यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एन थीटा, ठीक है, ये माइनस है मेरे पास। तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करा लीजिए, आप टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करा लीजिए, टू साइन ए इन टू कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जो है सब करते जाओ, देखो एन बाई टू, समझना, टू कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला, टू कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला तो होता है साइन, ठीक है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो साइन ए माइनस बी आगे आ जाएगा, तो साइन ए माइनस बी मतलब कि एन माइनस वन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन ए प्लस बी मतलब एन प्लस वन थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब इसको रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा एन बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू एन माइनस वन यहाँ पे लिख लूंगा, ठीक है एक्स, और माइनस इसको क्या लिखूंगा, यू एन प्लस वन ऑफ एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ क्योंकि सिमिलर है, और इसको खाली इस उसी स्पीड में करते जाएंगे जिस स्पीड में हम लोगों ने उसको समझाया है, ठीक है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको कर लिया है, सही ढंग से कर लिया था, तो ये हमारा बहुत इजीली तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना। मुझे एन प्लस वन बाई रिकरेंस फॉर्मूला थर्ड, इसको हम लोग यूज कर लेंगे, तो यहाँ से एन बाई टू, और टू से टू हमारा उससे कैंसिल भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, सेम है, तो यहाँ पे एन, और यहाँ पे आ जाएगा यू एन माइनस वन ऑफ एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ पे आ जाएगा यू एन एक्स, ठीक है, ये आपका प्रूफ हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे हम लोगों ने फर्स्ट किया था और सेकंड किया था उसी टाइप से थर्ड एंड फोर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, आई होप आपको इतना समझ आ चुका है, जो भी लेक्चर बचा हुआ है उसको सेकंड लेक्चर में हम लोग आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, सेकंड लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और आपको पर डे इनके चैप्टर्स मिलेंगे, इनके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और साथ में हम लोग लीनियर अलजेब्रा सॉल्व कर रहे थे, तो लीनियर अलजेब्रा वाली बुक भी कंप्लीट होने वाली है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और तैयारी कर रहे हैं तो उसको देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी कर दें, ठीक है।